तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस मैथमेटिक्स क्लास में। और यहाँ हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से उन्नयन कोण और अनमन कोण की बात समझने वाले हैं। जिस तरह नैनो की बात नैना जाने हैं, उसी तरह अनमन और उन्नयन कोण की बात मैथ जाने हैं। यानी कि मैथ बहुत शानदार तरीका से आपके दिमाग में फिट होने वाला है। पता है बाबू, उन्नयन कोण और अनमन कोण आखिरकार ये त्रिकोणमिति में क्यों आते हैं और इससे फायदा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद ट्रिक बताने वाले हैं। थोड़ा देर रुकिएगा, ट्रिक बहुत शानदार आपको मिलने वाला है, बड़ी मजा वाला है। उन्नयन कोण, जैसे किसी भी चीज़ का खूब हाइट बहुत ज़्यादा ऊँचा है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और वो निकालना हो कि कितना ऊंचाई है, तो आप क्या कीजिएगा, बहुत लंबा पेड़ को क्या कीजिएगा, ऊपर सर पे उसको रस्सी बांध के वहाँ से कूद जाइएगा लेकर के, ताकि नाप देखे कितना है। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। दो ग्रह है, उसके बीच की दूरी नापना हो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ रस्सी बांध के और चले जाइएगा उस ग्रह पे, ठीक है, झूल करके वहाँ तक कहीं पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है। दो ग्रहों के बीच की दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का हम लोग ईजी वे में इस्तेमाल करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है और ये नाम से ही आप समझ जाएंगे, तो ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पूरा क्वेश्चन आप बना लेंगे बहुत आसानी से। उन्नयन कोण और अनमन कोण कहते हैं। कोण कैसे बनता है? कोण बनता है जब दो ऐसे लाइन है तो बीच में जो गैपिंग रहता है, इसी गैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच में जो यहां गैपिंग होता है, स्पेस रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और याद रखिए, उन्नयन कोण, यहां नयन दिया, नयन का मतलब होता है, नयन का मतलब होता है आँख होता है, क्या होता है, आँख होता है। यानी कि ऊ नयन, यानी ऊ यानी ऊपर होता है, अपने नयन को जब आप ऊपर कीजिएगा, मान लीजिए कि अभी आप सामने देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, सामने, और यहाँ से जब आप अपने नयन को ऊपर कीजिएगा तो सामने और ऊपर वाले के बीच जो आपका फासला, यहाँ पे गैपिंग हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। अब समझ में आया हम क्या बोले आपको, उन्नयन कोण। ये देखिए, कभी भी आप ऊपर देखिएगा तो समझिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। और अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो अवनमन, आप मान लीजिए कि छत पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, छत पे, और छत पे, तब तक आपके छत के नीचे अगर आपका जो भी है नीचे आ करके देख रहे हैं, तो ऊपर से देखिएगा किसी व्यक्ति को नीचे, आपको कोई बुलाएगा, आपकी मम्मी ही आपको बुलाएगी, तो आप नीचे देखेंगे। तो अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो वहाँ अवनमन कोण बनता है, या फिर नमर, नमन यानी होता है नमस्कार या प्रणाम या सलाम करना, यही ना होता है। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो ऐसे थोड़ा देर के लिए झुकते हैं ना, तो ऊपर से झुकते हैं, आप कभी ऐसे नमस्कार नहीं ना करते हैं, नमस्कार ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो जब ऊपर से नीचे झुकते हैं, यानी कि अगर आप कहीं ऊपर हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक घर हो गया, और ऊपर से अगर आप नीचे झुकते हैं, नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है ऊपर, उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी ऊपर से कोई व्यक्ति आपको देख रहा है तो अवनमन कोण बना रहा है, आप उसको अगर ऊपर देख रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बना रहे हैं, नयन को ऊपर कर रहे हैं तो उन्नयन, और नमन यानी नीचे झुक रहे हैं तो अवनमन कोण बनाते हैं। यानी यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। इतना आपको समझ में आए, जैसे कि एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए कि रात को आप छत के ऊपर चढ़े हैं और गलती से आपके नीचे वाले रूम में चोर आ गया है, तो ऊपर से आप लाइट जलाएंगे, ऊपर से आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप 10 मीटर ऊंचे घर पे हैं, समझिएगा इसका क्वेश्चन, ऊपर चढ़ गए, ये आपका नीचे ज़मीन हो गया, और यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हैं, और जैसे ही यहाँ चोर है, यहाँ चोर है, और आप उसको लाइट टॉर्च जला के देखें, क्या किए, तो आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमेशा कोई भी कोण बनता है तो पहले सामने देखो, सामने देखने के बाद अगर नीचे देख रहे हो तो पहले तो आप सामने देख रहे थे, कोई बोला तब ना नीचे देखे, पहले आप सामने देख रहे थे, कोई बोला तो कहाँ देखे, नीचे। तो यहाँ जो कोण बनेगा, आप जो कोण बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 30 डिग्री का कोण बनाएं, कितना डिग्री का कोण बनाएं, 30 डिग्री। इतना समझ में आया, ठीक है। तो पूछा जाए कि बताइए कि ये आपका घर है और चोर है, आपके घर और चोर के बीच कितना का दूरी है, कितना दूरी है आपका, ये जो चोर है ये है आपके घर से, तो क्वेश्चन ये कैसे बनाइएगा, तो समझिएगा ध्यान से, जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अंतः एकांतर कोण से ये वाला बराबर होता है। आपको लंब दिया गया है, क्या दिया गया है, लंब, इसको लंबे तो बोलते हैं ना, नहीं, आपका घर जितना लंबा है इसे लंब बोलते हैं, और निकालना है कि आपके घर और चोर के बीच की दूरी कितना है, आधार निकालना है। याद रखिएगा एक चीज, जो दिया रहता है एक बार उसको लिख लीजिएगा, जो निकालना होगा
उसको लिख लीजिएगा, ठीक। ये दोनों नाम देखिएगा किस फॉर्मूला में आता है, तो दो ठो मिलेगा, एक मिलेगा टेन थीटा, एक मिलेगा कॉट थीटा। ये हम ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूला पे ये आपका बन सकता है क्वेश्चन। देखिए चलिए, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। टेन थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, लंब है 10 और आधार आपका नहीं पता है तो छोड़ दो आधार। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 10/ आधार। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा 10√3। तो ये वाला आधार आपका कितना आ गया, 10√3। तो आप यहाँ क्या सीखे बाबू, बता रहे हैं क्या सीखे हैं, देखिए आप यही सीखे हैं कि जो एक दिया रहेगा वो लिखेंगे और जो निकालना रहेगा वो लिखेंगे। आप बताइए, दिया रहेगा ये आपको पता है, आपको कहीं भी जाना होता है तो आप क्या करते हैं, जिस जो रास्ता पता रहता है आपको कि यही रास्ता जाएगा वही ना जाते हैं, ठीक है। वहां से आपको अगर वहां से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट पर जाने के लिए जो पहले पता रहता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं पता होगा वो बात की बात है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जहां हम मान लीजिए कि यहां से आपको कहीं जाना है दुबई वगैरह, तो जानते हैं रास्ता, तो आप वहां पे पहुंच गए, ठीक है। जब पहुंच गए तो वहां से अगर पूछना होगा तो किसी से आगे का रास्ता पूछ लीजिएगा। जब आप दुबई नहीं पहुंचे तो वहां के गांव टोला मोहल्ला का रास्ता कैसे जानिएगा, ठीक है। याद रखिए, जो दिया रहता है एक बार वो लिखते हैं, जो निकालना रहता है वो भी लिखते हैं और देखते हैं कि वो किस फॉर्मूला में आता है, ठीक है। वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि आप एक पतंग को उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा है ना, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो जब आप एक यहाँ जमीन हो गया, पतंग यहाँ से आप उड़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या उड़ रहा है, एक पतंग, पतंग सही बना है ना जी, हाँ पतंग उड़ रही है ऐसे, ठीक। तो पूछा जाएगा कि जब आप एक पतंग उड़ा रहे हैं तो डोरी है, ये डोरी है ना जी, तो इस डोरी की लंबाई 5 मीटर है, कितना मीटर है, 5 मीटर। और जब आप जमीन पर ऐसे खड़े हैं, ये जमीन हो गया और खड़े हैं, तो तिरछा उड़ रहे, तो यहाँ बन रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए कि जमीन से पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, ये ऊंचाई नहीं है, ये तो तिरछा ऊंचाई है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछे ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई, ये जमीन से कितना मीटर ऊंचा है। तो कौन सा फॉर्मूला, आप यही ना फंस जाते हैं कि आखिर कौन फॉर्मूला लगा, कुछ मत सोचिए। पहले क्या दिया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, तिरछा लाइन को क्या बोलते हैं, कर्ण। और निकालना का है, लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब किस फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा में आता है और एक आता है कॉसेक थीटा में, ये दोनों नाम इस फॉर्मूला में आता है, सिर्फ दोनों नाम के बारे में। चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा तो होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लंब कितना है, तो लंब नहीं पता है छोड़ दो। कर्ण कितना है, 5 है। यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। लंब नहीं पता है और कर्ण पता है 5। तिरछा तिरछी गुणा करिए तो 5 में √3 से, तो 5√3 है बट्टा 2 यहीं पे रख दीजिए। लंब निकालना है और जिस चीज़ को निकालते हैं ना उसको अकेले ही रखते हैं यहाँ, इसीलिए 2 से गुणा नहीं किए। तो लंब बराबर कितना आ गया, 5√3/2 निकल गया कि नहीं, कि यहाँ से जमीन से ये कितना मीटर ऊंचा है, 5√3/2 मीटर ऊंचा है। तो ऐसे ही निकालते हैं, एक जो दिया रहेगा वो नाम नोट करते हैं, ठीक है, एक जो निकालना रहता है वो देखते हैं कि दोनों किस फॉर्मूला में आता है। तो है ना शानदार, उन्नयन और अवनमन कोण, ये दोनों शानदार है और बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन। देखिए अगर आप ये समझ गए होंगे ना तो आप चुटकियों में ये लेसन को कंप्लीट कर दीजिएगा और आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन तो इस एग्जाम में रहता ही है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, वो हम पूछ रहे हैं और ध्यान से इसको कमेंट में आपको सबको बताएं कि जब आप किसी बारात में जाते होंगे, पक्का जाते होंगे, किसी के अगर बारात में जा रहे हैं तो उस वक्त जब आप बारातियों के साथ जाते हैं तो गलती से एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं समझिएगा, आप ऊपर देखते हैं, छत के ऊपर देखते हैं ना, तो जब आप छत के ऊपर देखते हैं तो उस वक्त आप जब ऊपर देख रहे होते हैं तो कौन सा कोण बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से, उस वक्त जब आप ऊपर देख रहे होते हैं तो कौन सा कोण बनाते हैं, ठीक। और अगर गलती से उधर से कोई देख रहा है या देख रही है, ऊपर से अगर आपके तरफ देखेगी तो ऊपर वाला
व्यक्ति कौन सा कोण बनाएगा जब वो आपको देखेगा, और आप जब नीचे से ऊपर देखेगा तो आप कौन सा कोण बनाएगा, ये आपको कमेंट में बाबू सबको बताना है कि जब आप ऊपर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बना, उधर से कोई नीचे देख रहा है तो कौन सा कोण बना है, आपको कमेंट में बताना है और इसको सही बनाना है और बताना पड़ेगा, तब ये पूरा का पूरा लेसन बाबू आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। आप किसी को समझा भी सकते हैं उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में कि नयन को ऊपर करो तो उन्नयन और नीचे करो तो नमन करते हैं तो अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत शानदार आपको वीडियो लगा होगा, अगर ये अच्छा लगा होगा ना तो ये लेसन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा चुटकियों में बहुत आसानी तरीके से, यहाँ दिल में तो उतर ही गया होगा ये टोटल आपका, ये जो भी ट्रिक वगैरह बताएं उन्नयन और अवनमन का। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा ताकि जबरदस्त तरीका से और अच्छा कंटेंट आपके पास अवेलेबल कराया जा सके और आप बिहार टॉपर बने। नया जोश नया सफर, इस बार आपको बनना होगा बिहार टॉपर बाबू मार, क्योंकि देखिए आपको तो टॉप करना पड़ेगा, मैथ में 100 में 100 लाना पड़ेगा, इतना इजी वे में बाबू आपको समझाएंगे ना कि प्राउड फील कीजिए कि वाओ, मतलब कि मेरा तो मैथ बहुत ईजी हो गया, मैथ से मोहब्बत हो गया हमें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।